बिहार में शराबबंदी को लेकर भारी हंगामे के बीच बिहार सरकार ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए एक नया फरमान जारी किया है। बता दें, शिक्षा विभाग के ऊपर सचिव संजय कुमार ने कल 28 जनवरी को एक पत्र जारी कर शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार के सभी माध्यमिक, प्राथमिक एवं सभी तरह के शिक्षक को शराबबंदी अभियान में जुड़े रहने का निर्देश जारी किया है। पत्र के माध्यम से यह आदेश दिया गया कि शिक्षक अपने आसपास शराब पीने वाले एवं शराब बेचने वाले की सूचना गुप्त रूप से देंगे। इसके लिए मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। इस आदेश पत्र को शिक्षक तक पहुंचाते ही शिक्षक लोग काफ़ी गुस्से में दिखे। शिक्षक लोग सचिव के पत्र से काफ़ी नाराज भी दिखे और विरोध प्रदर्शन भी किए, साथ ही पत्र को भी जलाने का काम किए हैं। शिक्षकों ने आदेश पत्र को वापस लेने की मांग किया, साथ साथ धमकी भी दिया है कि आदेश वापस नहीं लिए जाए तो उग्र आंदोलन करेंगे। शिक्षकों ने बताया कि हमारी बहाली शिक्षा देने के लिए हुई है, तो हम लोग शिक्षित कर रहे हैं, लोगों के प्रेरित कर रहे हैं कि शराब ना पिए, लेकिन सूचना देने की बात जो आदेश पत्र में दिया गया है वह हम लोग के लिए जानलेवा हो सकता है, हम लोग इस काम को नहीं कर सकते हैं। एक शिक्षक ने बताया कि सरकार शिक्षकों से क्या क्या काम करवाएगी, कभी शौचालय का काम करवाती है तो कभी बोरा बेचवाती है तो कभी शराबियों को पकड़ने का काम करवाती है। एक शिक्षक ने यह भी कहा कि अगर सरकार हम लोग को शराब की खोज करवाने के काम में लगाती तो हमें बॉडीगार्ड और हथियार भी दे दे। अब हम लोग बोर्ड पर लिखने के बजाय शराबियों से भिड़ने का काम करेंगे, जरूरत पड़े तो हथियार भी चलाएंगे। अगर सरकार 24 घंटे के अंदर अपने आदेश वापस नहीं लेते हैं तो शिक्षक लोग प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। कल से सड़कों पर शिक्षक लोग आंदोलन करेंगे। सरकार को हर हाल में इस तुगलकी फरमान के आदेश को वापस लेना ही होगा। वही मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। जैसे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सरकार की मंशा साफ हो गई है कि अब गुरुजी पाठशाला में नहीं मधुशाला में दिखेंगे और शराबियों की खोज करेंगे। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सरकार का सारा सिस्टम शराबबंदी को लेकर फेल हो चुका है। सरकार की पुलिस शराबबंदी को सफल बनाने में पूरी तरह फेल हो चुकी है, तो अब सरकार शिक्षकों को इस काम में लगा रहे हैं। पहले भी शिक्षक लोगों को शिक्षण कार्य के अलावा कई ऐसे काम में लगाई है जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है। अब एक नया फरमान शिक्षकों के लिए जारी किया गया है जो कि बेहद है शर्मनाक। सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के अपर सचिव के द्वारा जो निकाला गया है कि शिक्षक अपने संबंधित पोषक क्षेत्र में जो शराब पीते हैं या शराब पोषक क्षेत्र में बेचा जाता है उनके जो है चिन्हित करके सरकार को बताएंगे। सरकार उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हम लोग का काम है पढ़ाना, बच्चों को शिक्षा देना, न कि कभी जो है आप शराब के लिए लगा दीजिए, कभी शौचालय के लिए लगा दीजिए, यानी तमाम गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों को लगा करके बिहार के शिक्षा को बर्बाद करने की सरकार की सोची समझी साजिश है। और तमाम बिहार के नौजवान बच्चों अभिभावकों से कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार के इस साजिश को, शिक्षा को बदनाम कर बिहार के बच्चों अशिक्षित रहे, ये साजिश है। इसलिए हम लोग जो है इनके फरमान के प्रति को जला करके आज विरोध प्रकट किए हैं। आगे क्या सरकार 24 घंटे के अंदर में नहीं सुनती है तो कल बिहार के तमाम 500-600 ब्लॉक पर इस प्रति के, इस आदेश के जलाएंगे शिक्षक। उसके बाद भी अगर सरकार की कानों तक जू नहीं रेंगता है तो आगे फिर हमारी कार्यकारिणी बैठ कर निर्णय लेंगे।